अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आईबीए की लाइब्रेरी से कॉपी कैटलॉग सीखेंगे कि कॉपी कैटलॉग कैसे किया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले आना है एड्रेस, समझ लें, ilsiba.edu.bk। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो आईबीए का कैटलॉग हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना चाहते हैं कि जैसे कि हम क्यूरी डिफाइन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की नॉर्टन की सेवेंशन हमें, तो हमने तो ये रिकॉर्ड आ चुका आपके सामने। इस पर जैसे आपके लिखे तो इसका बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आपके सामने आ गई है, कवर भी आ रहा है, ऑथर भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है, एडिशन भी, आईएसबीएन नंबर भी, और ये लाइब्रेरी की इंटरनल डेटा भी, ये कहाँ कहाँ पर ये किताब अवेलेबल है, इसके बार कोड्स भी नज़र आ रहे हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर UTF-8 पर आप जाकर, मार्क वाला स्टैंडर्ड है, इस पर आपका नीचे आ जाएगा। इसको आप शो इन फोल्डर अंदर ले आएंगे और F2 करके इसका एक्सटेंशन MRC चेंज करेंगे। MRC लिखकर आप जैसे इंटर कर देंगे फिर आप यस कर देंगे और उस पर डबल क्लिक करते हुए ब्रेक कर दें। उसके बाद मार्क एडिटर के अंदर ये रिकॉर्ड ब्रेक होने के लिए आ चुका है, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और एडिट रिकॉर्ड की डिटेल्स चेक करेंगे कि मार्क के अंदर जो जो रिकॉर्ड आया है इसके कौन कौन से टैग हैं। तो बेसिक बिब्लियोग्राफिकल टैग्स यहाँ तक हैं। उसके बाद 900 वाले कोड्स जो हैं वो कोहा के अंदर डिफाइन होते हैं, जैसे कि DTC के लिए $2 और $C बुक और लेटेस्ट फर्दर इंफॉर्मेशन 952 के अंदर दी गई है। ये दो टाइटल थे तो इनकी ये जो डिटेल्स हैं वो दी गई है। पी के अंदर इसका बार कोड या समझ लें कि एक्सेशन नंबर होता है, और $0 के अंदर इसका कॉल नंबर आता है, ठीक है ना। $A और B पर इसकी लोकेशन, कौन सी जगह पर ये किताब अवेलेबल है, जैसे कि ये सिटी में है और ये IBM में है, तो वैसे, और इसकी फर्दर डिटेल, डेट एंट्री वगैरह वगैरह वो भी दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉपी कैटलॉग का ये मार्क टेक्स्ट जितने भी कोहा के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो बआसानी आपको समझ में आ चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम या क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर दें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।